how stoichiometric calculations are carried out with reactions involving gases. सबसे पहले तो हमने ये पढ़ना है कि जिन calculations में या जिन equations में gas involved हो तो उनकी calculations हम किस तरह करेंगे, ठीक है? तो for the reaction involving gases, volume is measured instead of mass, as finding volume of gases is much more convenient than finding mass of the gases. तो जिन reactions में gases involved हो तो उनमें हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ मास, मास की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम यूज करेंगे, क्योंकि गैसेस के लिए वॉल्यूम के साथ डील करना, वॉल्यूम में कैलकुलेशन करना वो ज्यादा इजी है, कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द गैस, ठीक है? अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ, equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of particles. Avogadro's law जो है ये हम पढ़ चुके हैं, इसके मुताबिक equal volume of the gases, अगर temperature और pressure same है तो उनमें number of particles भी same होंगे, ठीक है? Volume अगर same है तो number of particles भी same होंगे, सही है? Condition क्या होना चाहिए कि temperature और pressure क्या हो, same. For instance, one mole of any gas at STP. अब STP पर अगर हम एक वन मोल लेते हैं तो STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है. दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सी आर 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो कितना है, दैट इज 1 atm, ठीक है? तो एक मोल अगर हम किसी भी गैस का वो STP पे लेते हैं तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करें, 4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई होगा, ठीक है? ये जो 22.4 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये बुनियादी तौर पर क्या है, मोलर वॉल्यूम इसको हम कहते हैं. क्या कहेंगे हम इसको, मोलर वॉल्यूम कहेंगे. रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स. अब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक है? सो making use of Avogadro's law, the following reaction can be established between the volume and number of moles of a gas. Avogadro's law ke mutabik ye wala relation hum establish kar sakte hain ki number of moles jo hain ye volume divided by molar volume ke barabar hai. To ye hamare paas teesra formula aa gaya. First formula jo hum pad chuke hain aapko yaad hoga, usme humne kya padha tha ki jo number of moles hain wo मास डिवाइड बाय मोलर मास के बराबर है. सेकंड में हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर के बराबर है, ठीक है? और अब हमारे पास एक तीसरा फार्मूला आ जाता है जिसमें हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम जो हम करते हैं ये हमें नंबर ऑफ मोल्स देगा. वॉल्यूम भी हम क्यूबिक डेसीमीटर में लेंगे, मोलर वॉल्यूम हमारे पास 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर होगा, ठीक है? STP पे दोनों वॉल्यूम हम कौन सी कंडीशंस पे लेंगे, STP. ये अगर आप इसको देख लें तो ये मोल कन्वर्जन फार्मूले जो तीनों हमने पढ़े हैं, ठीक है? तो इस सिंपल डायग्राम से हम वो तीनों समझ सकते हैं, यानी मोल को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर आप मोल को मास में कन्वर्ट करते हैं या मास को आप मोल में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या यूज करेंगे. लेट से आपको ग्राम चाहिए, यानी मोल को आप मास में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये मोल को आप मोलर मास में जरब देंगे. जब आप मोल को मोलर मास में जरब देंगे आपके पास क्या आएगा, ग्राम्स, ठीक है? यानी मास आएगा. और अगर आप जो है वो ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि ग्राम गिवन है, मोल अननोन है, तो फिर आप ग्राम जो गिवन है इसको आप डिवाइड करेंगे मोलर मास में. जो सिंपल हमारे पास मोल का फार्मूला, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये वही डिवीजन है, ठीक है? और ये इसको रीअरेंज करके ग्राम हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि आप मोल को मल्टीप्लाई करें मोलर मास से, क्लियर? इसी तरह मोल को आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा. अगर आप जो है आपके पास वॉल्यूम गिवन है, लीटर्स गिवन है, यानी डेसीमीटर क्यूब गिवन है, तो आप वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे 22.4 पे तो आपके पास मोल आ जाएगा. सो मोल को फाइंड करने के लिए हम गिवन वॉल्यूम को 22.4 पे डिवाइड करेंगे. 22.4 पे इसलिए डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज इट इज मोलर वॉल्यूम, राइट? और अगर आपके पास मोल्स गिवन है और आपको वॉल्यूम चाहिए तो उन मोल्स को आप 22.4 से मल्टीप्लाई करें,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, लीटर्स यानी वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह मोल से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मालूम कर सकते हैं और पार्टिकल से आप नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास मोल्स गिवन है और आपको पार्टिकल्स चाहिए तो मोल्स को आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और मोल चाहिए तो सिंपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर जो है ये आप करें तो आपके पास मोल्स आ जाए। सो इसका मतलब है कि ये चारों चीजें इंटर कन्वर्टेबल है। अगर लेट से आपके पास मास गिवन है, मास, और आपको कहा जाता है कि आप वॉल्यूम मालूम करें, तो देखें अब मास जो है वो डायरेक्टली हम वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम मास को पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे और मोल को फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है और आपको कहा जाता है कि आप इससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करें तो क्या करेंगे, आप वॉल्यूम को पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे। या आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपको मास दरकार है तो पार्टिकल्स को पहले मोल में कन्वर्ट करें, ठीक है, और फिर इसको आप मास में कन्वर्ट करें, सही है। तो जहां से भी आपने आना है थ्रू मोल आपने आना है। अगर मोल है तो मोल से तो डायरेक्टली आप मास भी मालूम कर सकते हैं, मोल से डायरेक्टली आप वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं और मोल से डायरेक्टली आप पार्टिकल्स भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर इन तीनों में से एक गिवन है और एक रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो फिर आप थ्रू मोल्स जाएंगे, यानी पहले आप इनकी कन्वर्जन करेंगे मोल में और फिर मोल को रिक्वायर्ड जो भी यूनिट है उसमें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आप देखें इस पे एक क्वेश्चन करते हैं कि 15 ग्राम्स ऑफ सल्फर इज बर्न्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। अगर आप 15 ग्राम ऑफ सल्फर को बर्न करते हैं, ठीक है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसटीपी पे प्रोड्यूस होगा। तो आप देखें मास आपको गिवन है, क्या गिवन है, मास 15 ग्राम ऑफ सल्फर, और रिक्वायर्ड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये 15 ग्राम ऑफ सल्फर जो चूंकि मास है ना, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने यहां पे पढ़ा मास हमें गिवन है और वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, तो मास को हम सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करें। तो मास को जब हम मोल में कन्वर्ट करते हैं क्या करेंगे, मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास पे, राइट, हमारे पास मोल आ जाएगा। और फिर जब मोल आ जाता है तो मोल से हम सिंपल इसको 22.4 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो मास को सबसे पहले हम किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर मोल को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट से यहां से हम डेटा पहले निकालते हैं, तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है, 15 ग्राम ऑफ सल्फर है, राइट, रिक्वायर्ड जो है वो वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है। First, we will convert mass of sulfur into moles of moles by using the formula. सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने ग्राम ऑफ सल्फर जो है इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, फिर मोल को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास लेते हैं। ये मास सल्फर का है, सल्फर का मोलर मास 32 है, तो 15 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, 32 करेंगे। तो 15 डिवाइड बाय 32 से आपके पास क्या आ जाता है, 4.69 मोल्स। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितने हो गए, 0.469 मोल। क्लियर हो गया। यानी 15 ग्राम सल्फर जो है ये कितने मोल्स के बराबर है, 0.469। अब हमने इस मोल को किस चीज में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, लेकिन वॉल्यूम हमें सल्फर डाइऑक्साइड का चाहिए, सल्फर का तो चाहिए नहीं, वॉल्यूम सल्फर डाइऑक्साइड का चाहिए, और ये जो मोल है ये किस चीज का है, ये सल्फर का है। तो अब हम देखेंगे कि 0.469 मोल सल्फर से कितना मोल सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, जो पिछले हमने मोल मोल कन्वर्जन जो हमने किया था, अब यहां पे हम मोल मोल कन्वर्जन करेंगे, यानी मोल्स ऑफ सल्फर को हम मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। कि आपके पास 0.469 मोल ऑफ सल्फर मौजूद है तो कितना आपके पास बनेंगे मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसके लिए हम बैलेंस्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे, दिस इज गिवन इक्वेशन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर आप देखें तो वन मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हो गया। अब सल्फर कितने मोल्स है, 0.469 है, तो जब सल्फर 0.469 है तो सल्फर डाइऑक्साइड भी 0.469 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, 1:1 रेशियो में है,
दोनों 1:1 रेशियो में है, ठीक है। तो 0.469 मोल ऑफ सल्फर इक्वल्स 0.469 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ 0.469 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास आ गया, हमें वॉल्यूम चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड का, मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। तो अब हम मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को किस चीज में कन्वर्ट कर लेंगे, वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। और वॉल्यूम में कन्वर्जन के लिए वी नो द फार्मूला के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है, मोल्स हमारे पास मौजूद हैं और जो मोलर मास है वो नॉन है 22.4, ठीक है। तो वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स सल्फर डाइऑक्साइड में क्या लिख लेंगे 0.469, ठीक है। वॉल्यूम हमने मालूम करना है 22.4 जो है ये एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम है, तो इसकी जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 10.51 क्यूबिक डेसीमीटर। जो 15 ग्राम ऑफ सल्फर है वो कितना सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा 10.51 क्यूबिक डेसीमीटर। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। यस, मोलर वॉल्यूम हमेशा दफा कांस्टेंट है, मोलर वॉल्यूम न बदलेगी एज लॉन्ग एज कंडीशन इज एसटीपी, जो एसटीपी मोलर वॉल्यूम हमेशा दफा का से चलनी चाहिए। अनदर क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस वुड बी नीडेड एट एसटीपी टू प्रोड्यूस 10 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है H2+Cl2+HCl, right? सवाल ये है कि what volume of chlorine gas would be needed? कितना volume of chlorine जो है वो दरकार होगा कि आप 10 cubic decimeter hydrogen chloride जो है वो बना लें? यानी volume of the product given है, volume of the reactant आपने मालूम करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि ये volume volume conversion है, इसमें हमने मोल में जाना ही नहीं है, ये क्या है volume volume conversion है, ठीक है। तो आप देखें इसमें वॉल्यूम ऑफ HCl हमें गिवन है विच इज 10 क्यूबिक डेसीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं H2+Cl2 विच फॉर्म्स 2HCl। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप देखें 2 मोल्स ऑफ HCl जो है उसके लिए कितना क्लोरीन रिक्वायर्ड है 1 मोल ऑफ क्लोरीन। तो अब आप देखें जो आपके पास अगर लेट्स से 1 मोल ऑफ HCl अगर होगा तो क्लोरीन कितना रिक्वायर्ड होगा हाफ। 2 मोल HCl के लिए अगर 1 मोल रिक्वायर्ड है तो 1 मोल HCl के लिए हाफ मोल रिक्वायर्ड होगा, राइट। तो अब आप देखें 1 मोल HCl कितना वॉल्यूम होगा, मोलर वॉल्यूम होगा 22.4, तो हाफ मोल ऑफ क्लोरीन का कितना वॉल्यूम होगा हाफ ऑफ द मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो 11.2 हो जाएगा, राइट। अब आप देखें इसको भी आप 22.4 पे डिवाइड करें और इसको भी आप 22.4 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ HCl आ जाएगा और ये 11.2 डिवाइड बाय 22.4, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आएगा 0.5 आएगा ना, 1/2 आएगा या 0.5 आएगा। इसका मतलब है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर HCl जो है वो 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर क्लोरीन बना रहा है। अब HCl हमें कितना गिवन है 10, तो अगर 1 क्यूबिक डेसीमीटर 0.5 बना रहा है तो 10 कितना बनाएगा, तो यहां पे 10 हो जाएगा। इसका मतलब है इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड को हमने हम क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से दोनों साइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 × 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 क्यूबिक डेसीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 10 क्यूबिक डेसीमीटर HCl बन रहा है तो इसके लिए 5 क्यूबिक डेसीमीटर क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 11.5 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, व्हाट डू यू थिंक? अगर आपके पास 11.5 क्यूबिक डेसीमीटर नाइट्रोजन हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है, और ये वॉल्यूम आपको गिवन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो वॉल्यूम है इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे और मोल से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम कर लेंगे। तो सिंपल फार्मूला आप यूज करें, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को आप मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करें, जो आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर में जरब दे दें तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे। क्लियर हो गया? इसी तरह व्हाट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी? जी बहुत ही सिंपल सवाल है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे? मोल्स गिवन है, वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड, तो इसको आप सिंपली क्या करें मोलर वॉल्यूम में जरब दे दें। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, मोल्स गिवन है, ठीक है। तो मोल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो 22/4 में जरब दे देंगे, या सिंपल आप फार्मूला नहीं यूज करना चाहते, 1 मोल का मोलर मास मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 होता है, ये 3 मोल्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर ले, ठीक है।
तो आपके पास आंसर आ जाएगा। Another question, in an experiment, HCl was reacted with calcium carbonate STP. Calcium carbonate और HCl आपने react किया STP पे। अब आप देखें, 80 cubic centimeter of carbon dioxide was produced. कितना carbon dioxide produce हो गया? 80 cubic centimeter. Calculate the number of molecules of carbon dioxide given. क्या मालूम करें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वॉल्यूम आपको गिवन है और मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है? यस, सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। जब ये डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपने इसको मोल में कन्वर्ट करना है और मोल से फिर मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। क्लियर हो गया? ओके नहीं, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। डेसीमीटर क्यूब जो है ये लीटर है, सेंटीमीटर क्यूब जो है ये मिलीलीटर है। तो यू नो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है? तो इसको आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तब आपके पास क्या आएगा? डेसीमीटर क्यूब आएगा, डिवाइड बाय 1000 करेंगे।